दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से संजय शर्मा लाइव यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हो तो आपको कभी अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो को अपलोड करना चाहिए। क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए वीडियो बनाया था तो उस पर कमेंट आ रहा है कि संजय भाई मुझे आप ये बताइए कि मैं अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो को किस टाइम पर अपलोड करूँ जिससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिले, ज़्यादा व्यूज़ देखने को मिले। तो ये बात सही है कि अगर आप परफेक्ट टाइम पर वीडियो को अपलोड कर देते हो अपने चैनल पर तो आपका व्यूज़ जो इनिशियल व्यूज़ आने का चांस बढ़ जाता है, और आपका चांस अगर बढ़ता है इनिशियल व्यूज़ आता है तो आपका वीडियो वायरल भी हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल वे बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने चैनल पे इस टाइप से अगर शॉर्ट वीडियो को अपलोड करोगे सही टाइम पे जो मैं आपको बताऊंगा तो आपका शॉर्ट वीडियो 100% वायरल जाएगा। तो उससे पहले मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आकर के वीडियो को देख रहे हो तो संजय शर्मा लैब यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड बेहतरीन जानकारी देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रैक्टिकल वे कि आपको कैसे अपने चैनल पर कौन से टाइम पर शॉर्ट वीडियो को अपलोड करना है जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि YouTube खुद बताता है कि आपको कौन से टाइम पे परफेक्ट टाइम जो आपका है ना आपके चैनल पे जो व्यूअर आते हैं वो कौन से टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं। जिस टाइम पे अगर आप वीडियो अपलोड कर देते हो तो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा क्योंकि वो जितने भी सारे लोग ऑनलाइन रहेंगे यूट्यूब पर आकर के वीडियो देखते रहेंगे तभी आपके वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, चाहे तो ब्राउज फीचर में जाएगा या तो वहाँ पर शॉर्ट फीड में जाएगा तो आपके वीडियो को देख लेगा। तो इसलिए यूट्यूब खुद बताता है कि आपके जो व्यूअर है, आपके जो ऑडियंस है वो कौन से टाइम पर ऑनलाइन रहते हैं तभी आपको वीडियो अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन में, वहां पे जाइए और उसके बाद वहां पे एनालिटिक पे क्लिक करिए। एनालिटिक पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा, आपको ऑडियंस पे क्लिक करना है। आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्हेन योर व्यूअर आर ऑन यूट्यूब, मतलब ये बोल रहा है कि आपके व्यूअर जो है, आपके ऑडियंस जो है आपके यूट्यूब चैनल पर कब आते हैं, मतलब यूट्यूब पर कब आते हैं। तो अगर आप उसी टाइम पर परफेक्ट टाइम पर वीडियो अपलोड करते हो तो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, लेकिन आपके चैनल पर ये YT स्टूडियो में शो नहीं कर रहा है तो इसके लिए भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन अगर आपके YT स्टूडियो में ये आ जाता है तो समझिए कि आपका बल्ले बल्ले है, ठीक है। ये YouTube खुद बताता है कि आपका व्यूवर जो है कभी ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं। तो चलिए इसको मैं गहराई से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इसको क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये पूरा बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए जो गाढ़ा वाला जो है वहाँ पर कलर जो है बहुत गाढ़ा वाला वो मैनी व्यूवर्स का बता रहे हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा व्यूवर यूट्यूब को देखने आते हैं, ठीक है। तो मतलब टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हो 11:59 मतलब 12 बजे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गा रहा है और संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे सबको गा रहा है, मतलब यहाँ पे टाइमिंग भी दे रहा है और ऊपर समय भी दे रहा है कौन सा दिन है वो भी बता रहा है। तो यहाँ पे आपको जो सबसे गा रहा वाला है उस टाइम पे वीडियो को अपलोड करना है, जैसे कि 12 बजे बहुत गा रहा है, उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया, फिर थोड़ा कम कम होते होते वहाँ पर फिर एक सीधे यहाँ पर जो है 18 बजे, मतलब 6 बजे शाम में बहुत गा रहा है यहाँ पर, उसके बाद 7 बजे भी गा रहा है, उसके बाद 8 बजे भी गा रहा है। तो आपको देख लेना है कि कब ज़्यादा गा रहा है, ठीक है। जहां पे गाढ़ा ज्यादा होगा वहां पे टाइमिंग आपको फिक्स कर देना है, इसी टाइम पे मुझे वीडियो अपलोड करना है क्योंकि यहां पे यूट्यूब खुद बोल रहा है कि आपके जो वीडियोस देखते हैं वो यूट्यूब पे ज्यादातर इसी टाइम पे अपना समय बिताते हैं। तो आपको उसी टाइम पे वीडियो को अपलोड कर देना है जिससे कि आपके व्यूअर जो है, आपके ऑडियंस जो है वो आपके वहां पे वीडियो को देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल पर यह नहीं आ रहा है YT स्टूडियो में तो आपको क्या करना है। देखिए इसके लिए सिंपली अगर आपका नया चैनल है तो शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते जाओगे और आपका वीडियो सब थोड़ा बहुत चलेगा और आपके चैनल से ऑडियंस जुड़ेंगे तो आपको वहां पे शो कर देगा। लेकिन आपको ये जल्दी तो शो नहीं करेगा, लेकिन आपको जल्दी करवाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सही टाइम भी पता करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप जो भी कैटेगरी का वीडियो बनाते हो, जो भी कैटेगरी का आपका वीडियो है उससे जो है ना उससे आगे कोई जरूर होगा जिसको आप फॉलो करते होंगे, जिससे आप कुछ सीखते होंगे, समझते होंगे। जैसे कि आप कोई फैक्ट वीडियो बनाते हो तो फैक्ट वीडियो में और भी बड़ा बहुत ज़्यादा जो टॉप चैनल है, ठीक है, तो आपको उस टॉप चैनल सबको फॉलो करना है और उसके बारे में आपको देखना है कि वो वीडियो कब अपलोड करता है, आपको भी उसी टाइम पर वीडियो अपलोड कर देना है। और ये चीज़ आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है 10 से 15 दिन, आपको जरूर से समझ में आ जाएगा कि कब ज़्यादा अपलोड करने से, मतलब कौन से टाइम पे अपलोड करने से ज़्यादा व्यूज आता है। तो आपको फॉलो करना है, जो भी कैटेगरी का वीडियो बना रहे हो उस कैटेगरी में कोई टॉप जरूर होता है, उसको आपको फॉलो करना है और वो जो मतलब अपने चैनल पर काम करते हैं जिस हिसाब से वैसे ही आपको करना है। और जैसे ही आप करोगे धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट भी आपको करना पड़ता है चैनल पर, तो एक्सपेरिमेंट जैसे ही करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और साथ ही में ये जो ऑप्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा
जाएगा कि कौन से टाइम पे ज़्यादा व्यूज आपको आने वाला है, कौन से टाइम पे आपको वीडियो अपलोड करना चाहिए। शॉर्ट वीडियो हो लॉन्ग वीडियो हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों वीडियो के लिए अप्लाई होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताने वाला था। अगर आपको नहीं पता है कि शॉर्ट वीडियो को कैसे अपलोड किया जाए तो आप इस वीडियो को जाकर के देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँ कि कैसे आपको अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड करना है अपने चैनल पर जिससे आपको ज़्यादा व्यूज देखने को मिले। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको इस टाइप का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।